यार, हफ्ते में ये एक ही दिन छुट्टी मिलती है और उन गधों को छुट्टी वाला ही दिन मिला है क्या? मैदान में प्रचार करने के लिए अब क्या करें हम? करना क्या है, वापस घर जाते हैं। अगले संडे खेल लेंगे क्रिकेट। पप्पू बेल को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, संडे के दिन क्रिकेट खेलने बिना नहीं रह पाता है। इसलिए वो पिछले संडे को अपनी दादी मरने पर भी क्रिकेट खेल रहा था। जब मैं थोड़ी देर क्रिकेट ना खेलूं, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम में से किसी को जाने दूंगा। ठीक है, आज गले में ही खेल लेते हैं। लेकिन याद रखना, यह मैदान नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे खेलना। ठीक है कहकर पप्पू और उसके दोस्त उसी गली में क्रिकेट खेलने लग जाते हैं और सब आसपास ध्यान रखकर ही खेलते हैं। लेकिन अचानक से छोटा बच्चा सामने आ जाता है और उसे बॉल लग जाती है। गधे कहीं के, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? रुको तुम सब, मैं अभी अपनी माँ को बुलाकर लेकर आता हूँ। तुम में मौसी का लड़का है ना, तू चल भाग, जिसे बताना है बता ले। ऐसे पप्पू और उसके दोस्त फिर से क्रिकेट खेलने लगते हैं। कुछ देर खेलने के बाद वो सब ये बात भूल जाते हैं कि वो सब एक गली में खेल रहे हैं। इसलिए हर बार उनका बॉल कभी इसके घर के सामने गिरा तो कभी उसके घर पर जाकर गिरता रहता है। इस बात से सबको दिक्कत तो होती है, लेकिन कोई कुछ कहते नहीं है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर से वहाँ से गुजर रहा होता है। ओए तुन्नी मौसी के लड़के, वो बॉल इधर देकर जा जरा। नहीं दूंगा, कुछ ही ले लो, मैं नौकर तोड़ी हूँ तुम्हारा। दे दे लड़के, वरना वो सच में पिटाई कर देगा। बहुत खतरनाक है वो, आके देख कितनी लाल है। उनकी बातें सुनने के बाद वो छोटा बेल बॉल उठाकर पास वाले घर में फेंक देता है और भाग कर जाकर इस बार सच में अपनी माँ को पप्पू परेशान कर रहा है कहकर बता देता है। चल मेरे साथ, अभी बताती हूँ मैं उसे टुन्नी के लड़के को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। ऐसे कहते हुए जाकर टुन्नी गाय पप्पू बैल और उसके दोस्तों को खूब बातें सुनाने लगती है। उसे देखकर एक एक करके आसपास वाले सभी लोग आते हैं और ऐसे कहते हैं। सच में इन सब ने सुबह से परेशान करके रखा है। अपने ही गांव के बच्चे है कहकर चुप बैठे हैं तो और भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये सब पप्पू की गलती है तुन्नी मौसी, वो हम सबको जबरदस्ती खेलने को कह रहा है। आपके लड़के को भी उसी ने परेशान किया था, चाहो तो पूछ लो। हाँ टुन्नी मौसी, इस पप्पू को क्रिकेट खेलने का इतना शौक है कि ये अपने दादी का अंतिम संस्कार के दिन भी मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। ऐसे कहते हुए पप्पू बैल के दोस्त उसे गांव वालों के बीच में फंसाकर भाग जाते हैं। अब पप्पू बैल के पास वहां से भागने या उन सब से पीटने के अलावा कहने को कुछ भी नहीं था। इसलिए पप्पू बैल बॉल की तरह भागता है और गांव वाले बैट की तरह उसके पीछे पड़कर पिटाई करते हैं। फिर कभी गले में क्रिकेट नहीं खेलूंगा, छोड़ दो मुझे। ऐसे कुछ देर बाद सब वापस चले जाते हैं और पप्पू बैल के दोस्त धीरे से उसके पास आते हैं। उन्हें देखते ही पप्पू बैल गुस्से में लाल पीला हो जाता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास था इसलिए भाग नहीं था तो चुपचाप चले जाते, वो सब बताने की क्या जरूरत थी। चलो अब हॉस्पिटल लेकर जाओ मुझे। पुस्तकपुर नाम के गांव में दर्पण नाम का एक बैल रहता है।
दर्पण बैल हर उस गाय और बैल के नकल करके मजाक उड़ाता है जिन्हें कोई चोट लगी हो या कोई ठीक से चल बोल या सुन नहीं पाते हैं। कहाँ जा रहे हो लंगड़े चाचा जी? आओ देखते हैं तुम बच्चे से लंगड़ाते हो या मैं। ऐसे कहते हुए दर्पण बैल एक चोट लगे हुए बूढ़े बैल की नकल करके उसका मजाक उड़ाता है। रुक जा कमीने, एक बार मेरे पैर को ठीक होने दे, फिर दिखाता हूँ तुझे लंगड़ना किसे कहते हैं। दर्पण बैल को अब ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई है, इसलिए कोई कुछ भी कहे वो अपनी मनमानी करके वहाँ से चला जाता है। इसे कैसे भी करके सबक सिखाना ही होगा मुनमुन बेटा। सबकी नकल करने वाले के साथ जब कुछ हुआ तो तब उसे पता चलेगा। आप चिंता मत करो चाचा जी, मेरे पास उसे सबक सिखाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इस बार आप उसकी ओर देखकर हंसना बस। ऐसे कहते हुए मुनमुन बैल बड़ी चालाकी से उस गांव के पहलवान बैल के पीछे काला रंग लगाकर भाग जाता है। लेकिन उसे ऐसे करते हुए पहलवान बैल की पत्नी देख लेती है और उसे ऐसे बता देती है, आपने उस मुनमुन को कुछ कहा था क्या? वो ऐसे आप पर रंग डालकर क्यों भाग गया? अच्छा, तो ये मुनमुन का काम है। मेरा इंतजार मत करना, आने में देर हो सकती है। जब तक मैं उस मुनमुन का कचूमर बना दूं, मैं ना वापस आऊंगा और ना ही ये रंग हटाऊंगा। ऐसे कहते हुए पहलवान बैल मुनमुन बैल को बड़े गुस्से में गांव भर में ढूंढता है। इस बात से अनजान मुनमुन बैल मजे से गांव में घूम रहा था, तब उसे एक बैल ऐसा पूछता है, अरे तुमने पहलवान के साथ ऐसा क्या कर दिया है मुनमुन? वो पता नहीं कब से ढूंढ रहा है तुम्हें। उससे मिलकर बात कर लो या कहीं पर जाकर चुप जाओ। वो बात सुनकर मुनमुन बैल घबरा जाता है और सोचता है कि इतना ध्यान से सब करने के बावजूद भी उसे ये बात कैसे पता चला। चाहे जैसे भी पता चला हो, अब मुझे सिर्फ तब तक बचकर रहना होगा जब तक कि दर्पण और पहलवान एक दूसरे के सामने ना आ जाए। ऐसे कहते हुए मुनमुन बैल चुपके से सिर्फ देखता रहता है। वही पहलवान के पास से गुजर रहा दर्पण उस पर लगे हुए रंग को देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाता है। अरे रे रे रे, मेरी चाल देखो, मेरे तुमके देखो, पीछे रंग लगाकर मटक रहे उस पहलवान को देखो। वो बात सुनते ही पहले से गुस्से में फिर रहे पहलवान को और भी गुस्सा आता है, इसलिए वो दर्पण को बगा बगा कर मारता है। अबे छोड़ दे साथ, मजाक ही तो किया था, क्यों ऐसे मेरे पीछे पड़ गया है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ, नौटंकी कहीं के। ऐसे कहते हुए दर्पण बैल की कूप पिटाई करके उसकी एक टांग तोड़ देता है पहलवान बैल। वो देखकर दूर खड़ा होकर हंस रहे मुनमुन बैल को भी पकड़कर कूप पीटता है वो पहलवान बैल। अगले दिन दर्पण बैल लंगड़ाते हुए चलता है और मुनमुन बैल चोट लगने की वजह से हाँ हूँ करता हुआ चलता है। सब दर्पण को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और मुनमुन को देखकर ऐसे कहते हैं, चिंता मत करो मुनमुन, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। तुम सब मुझ पर हंस रहे हो और मुनमुन को इतनी अच्छी बातें कह रहे हो, ये सही नहीं है। तुम औरों के साथ जैसे बर्ताव करते हो, वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है?
वो बात सुनने के बाद दर्पण बेल को अकल और शर्म आती है।